नीले रंग की मेरी क्रिसमस टी शर्ट पहनी मार्गरेट को ब्रिटेन में फाइजर कंपनी का पहला टीका लगाया गया। अगले हफ्ते 91 वर्ष की होने जा रही मार्गरेट को ये बर्थडे गिफ्ट मिला है। WHO द्वारा दुनिया के इस पहले सर्टिफाइड टीके के साथ दुनिया में कोरोना वायरस महामारी के खात्मे की शुरुआत हो गई। ये बेहद खुशी की बात है, उन्होंने वैक्सीन लगवाया है और पूरे इंग्लैंड के लोग पहली बार टीका लगवा रहे हैं। धीरे धीरे ये टीकाकरण एक बड़ा बदलाव लाएगा। And it will gradually make a huge, huge difference. इसके साथ ही ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बन गया जिसने कोरोना टीकाकरण की शुरुआत की है, जो ब्रिटेन के इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। मुझे लगता है कि स्प्रिंग से हम जिंदगी को पटरी पर लौटते देख पाएंगे और जल्द ही हम उनको वैक्सीन लगा देंगे जो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। वैक्सीन लगाने की रफ्तार इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी रफ्तार से बनाया जाता है। यूरोपियन देशों में ब्रिटेन कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, जहां इस वायरस से 61,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिसे रोकने के लिए ब्रिटेन ने फाइजर के टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत सबसे पहले दी। टीकाकरण अभियान में ब्रिटेन के 50 अस्पताल शामिल हैं। टीका लगाने के दौरान 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स को प्राथमिकता दी जा रही है। पहले हफ्ते में 8,00,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा। लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के 87 वर्षीय हरि शुक्ला दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में शुमार होने वाले हैं जिन्हें सबसे पहले कोरोना का टीका लगाने के लिए चुना गया है। ये बेहद सुकूनदायक बात है। हमने जैसे ही सुना कि वैक्सीन लगने वाली है तो ख्याल आया कि अब शायद ये महामारी खत्म हो जाएगी। मैं खुद को बेहद सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। मंगलवार को मुझे फोन पर यह सूचित किया गया कि मैं भी इस वैक्सीनेशन का हिस्सा हूँ। I was very excited that I got the opportunity of joining in and taking part in that. फाइजर का जो टीका ब्रिटेन में लगाया जा रहा है वो कोरोना वैक्सीन पर 95% तक असरदार साबित हुआ है। ब्रिटेन ने अभी फाइजर को 4 करोड़ टीकों का ऑर्डर दिया है जो 2 करोड़ लोगों को लगाया जाएगा। टीके की पहली खुराक लगने के 21 दिन बाद दूसरा शॉट दिया जाएगा। थोड़ी इम्यूनिटी पहली खुराक के 12 दिन बाद और पूरी इम्यूनिटी दूसरे खुराक के 7 दिन बाद हासिल होगी। फाइजर के टीके से मिलने वाली इम्यूनिटी कम से कम 6 महीने या उससे ज्यादा भी रह सकती है। अभी तक के ट्रायल में इस टीके का कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं पाया गया। हालांकि वैज्ञानिकों को अभी ये पता करना है कि टीका लगाने वाले शख्स से कोरोना वायरस दूसरे शख्स में फैल सकता है या नहीं। We don't know yet how... अभी मुझे नहीं पता कि ये वैक्सीन लगने के बाद इसके फैलाव को रोकने में कितनी कारगर होगी। अभी तो बस ये पता है कि ये वैक्सीन जिसे लगेगी उसको संक्रमण से बचाएगी। हालांकि हम लोगों पर गहन निगरानी रखेंगे ताकि इसके असर को परख सकें। ब्रिटेन की करीब 70% आबादी को कोरोना का टीका लगाने की योजना है ताकि हर्ड इम्यूनिटी हासिल की जा सके। लेकिन ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विसेज की एक चुनौती ये भी है कि फाइजर के इस टीके को -70 डिग्री तापमान में स्टोर करना होता है। इसीलिए अभी पूरे ब्रिटेन में सिर्फ 50 अस्पतालों को ही टीकाकरण के लिए चुना गया है ताकि स्टोरेज की स्थितियों को भी सही तरीके से परखा जा सके। एक तरफ ब्रिटेन के लोग और सरकार अपनी इस कामयाबी पर फूली नहीं समा रही, वहीं ब्रिटेन में ऐसे भी लोग हैं जिनके मुंह फूले हुए हैं। वो बायकॉट वैक्सीनेशन के नारे लगाते हुए लंदन की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को लगता है कि कोरोना को लेकर झूठ फैलाया गया है और वो कोरोना का कोई टीका नहीं लगवाएंगे। मैं वैक्सीन नहीं लगवाना चाहती, मैं आजाद रहना चाहती हूँ, अपने दोस्तों के साथ जिंदगी जीना चाहती हूँ। यानी ब्रिटेन में टीके का स्वागत और विरोध दोनों हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रिटेन के बाद अब भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में टीकाकरण की शुरुआत में ज्यादा देर नहीं है।
हालांकि किसी को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया को कोरोना फ्री होने में लंबा वक्त लगेगा और तब तक सावधानी ही बचाव है। लंदन से लवीना टंडन, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।